Audio Jungle. सर आज निरीक्षण किया गया है, क्या इस पाया गया है और क्या किस तरीके से होता है? देखिए, जो निरीक्षण किए जाते हैं, ये इस तरह के जो निरीक्षण होते हैं उसमें अभी तक की जो हमारी कारगुजारी है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पुलिस के अंदर, उन पर क्या क्या कार्रवाई हो गई है, पुलिस कर्मियों के मनोबल की क्या स्थिति है, पुलिस कर्मियों की क्या परेशानियाँ हैं, उनको कैसे और बेहतर उनसे काम लिया जा सकता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारे पुलिस कार्यालय के जो विभिन्न पटल हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उसमें विशेष जांच प्रकोष्ठ से लेकर के महिला सम्मान का जो एक हमारा प्रकोष्ठ है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा की जाती है, उसको भी देखा गया। साथ ही साथ कर्मचारियों से जुड़े वेतनीय विसंगति के जो प्रकरण हैं उनको भी देखा गया। जो पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना है उसके क्रियान्वयन की स्थिति को देखा गया, और साथ ही साथ जो हमारे पास अब तक जो समय समय पर डिफरेंट ऑडिट्स आती हैं, जो जन शिकायत के माध्यम से जो बहुत सारे समस्याएं दिखाई पड़ती हैं उनका भी रिव्यू किया गया। विभिन्न पटल से जो IDRS के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके कार्यालय के माध्यम से जो भी सूचनाएँ, जो भी शिकायतें आई, उनका क्या निस्तारण हुआ है, गुणवत्ता उनकी कैसी रही है, उसे देखा गया। हापुड़ जिले में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति ठीक है, संतोषजनक है। विवेचनाओं में भी अच्छा कार्य हुआ है, कोई लंबित ऐसे संपत्ति संबंधी अपराधों के प्रकरण लंबित नहीं है। फिर भी जो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाए रखने के लिए, अपराधियों पर सख्त पकड़ बनाए रखने के लिए, CCTS का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए जो निर्देश सभी संभव को दिए गए हैं, उस निरीक्षण के उपरांत थाने पर जो कटिंग एज लेवल पर आज क्या कार्रवाई, थाने के अभिलेखों की क्या स्थितियाँ हैं, अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए थाने का जो अभिलेख है वो कितना मुस्तैद है, इसमें कैसे कैसे और व्यवस्थाएँ बेहतर की जा सकती है, इसका भी डिटेल और इंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और उसके पश्चात उसमें भी हम लोग आवश्यक गुणवत्ता पर तरीके से निर्देश भी देंगे और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। सर, कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है और बढ़ते क्रम भी देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए? देखिए, आज का परिवेश कोरोना के साथ साथ हम लोगों को जुटना है, अपने को सुरक्षित रखना है और दूसरे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ जो लोग अपराध में आने की लालसा रखते हैं उनको एक कठोर संदेश देना है, पुराने अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो नए उम्र के लड़के किसी तरह अपराध की दिशा में प्रगत ना हो सकें उन्हें सकारात्मक रूप से सही दिशा में बनाए रखने की जिम्मेदारी काउंसलिंग के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से भी हम लोगों के पास है, क्योंकि हमारी दोहरी चुनौती है। तो वो लोग जो कि पेरोल पे छूटे हैं या अपराध कर रहे हैं, पुराना इतिहास है, उनको दुरुस्त रखना, और ऐसे लोग साथ साथ जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, क्राइम की दुनिया में ना आए, मुख्य धारा में वो रहें और अपने विकास के मार्ग पर और प्रशासन की जो शुद्धता का मार्ग उस पर रहें, उसके लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करना है नवयुवकों को भी। वो भी एक आज के बदले परिवेश में नई चुनौती है, उस पर हम लोगों की टीम ये काम कर रही है और अधिक प्रभाव